हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ घर पे ही नेचुरल काजल या फिर आईलाइनर जेल कैसे बना सकते हैं, वो भी वाटरप्रूफ। ये काजल आप अपने छोटे बेबी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल 100% नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस काजल को बनाने के लिए आपको चाहिए घी, दिया और बाती। आप देख सकते हो एक दिया में मैंने थोड़ी सी घी डाल के 3 बाती डाल दिया है। अब मैं इसकी 3 साइड में 3 कटोरी लगा रही हूँ। मैंने प्लेट के ऊपर रखा है, आप चाहे तो इसको ज़मीन पे भी रख सकते हो। अब मैं इस दिया को जला दूँगी। आप देख सकते हो वीडियो में इस तरह से आपको सारे दिए को जलाना है। और दिया जलने के बाद आप इसको ऊपर से प्लेट या फिर तो इस तरह की लोहे की तवा जो आपके घर में हो उसे ढक दीजिए। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने तवा से ऊपर से ढक दिया है तो नीचे से दिया जल रहा है। धीरे धीरे करके तवा में इस तरह से कोल जमा हो जाएगा। अब इस तरह से आधे घंटे के लिए ऐसे ही तवा को ऊपर से ढकते हुए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हो आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे के बाद सारा कोल जमा हो गया है। आप देख सकते हो कितना सारा कोल जमा हो गया है, दिया भी बुझ गया है। अब दिया बुझने के बाद ये सारे कोल को आप स्पून की हेल्प से निकाल लीजिए। इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो जैसे मैं निकाल रही हूँ। मैं सारे कोल को निकाल दूँगी और एक कटोरी में डाल दूँगी। जितने भी कोल निकलेंगे यहाँ से तो मैं उनको सारे एक कटोरी में जमा कर लूँगी। उसके बाद काजल बनाने की प्रोसेस शुरू करूँगी। अब ये सारे कोल को मैंने जमा कर लिया है। इसके बाद मैं 2 आलमंड लूँगी, जो बादाम होते हैं वो वाला बादाम लेने हैं। इसको पूरी तरह से गैस में जला लीजिए, बिल्कुल काला हो जाए। और इसके बाद आप इस तरह से कूट लीजिए इसको, बिल्कुल ऐसे करिए, ऐसे कूटिए, बिल्कुल ये ऐसे पेस्ट जैसा हो जाए। इस तरह से आप अच्छे से इसको कूट लीजिए। मैंने बादाम को अच्छे से कूट लिया है, आप एक देख सकते हो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच कोल पाउडर। आपको जितने काजल बनाना है आप उसी हिसाब से कोल पाउडर को ऐड कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी घी। आप घी डालते हुए ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अगर आप घी ज़्यादा डालोगे तो ये काजल फैल जाएगा। तो अब आप इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। आप देख सकते हो वीडियो में मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। जब तक इसका थिक पेस्ट बन ना जाए तब तक आपको मिक्स करते रहना है। अब ये काजल बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना थिक पेस्ट बना है। ये आपको मैं लगा के भी दिखा दूंगी। आप देख सकते हो अभी ये वाटरप्रूफ काजल नहीं है। ये इसमें अगर वी वैक्स आपको ऑनलाइन में सर्च करोगे या फिर अमेजोन से आप मंगा सकते हो, वी वैक्स इसका नाम होता है, वो अगर आप थोड़ा सा इसमें ऐड करोगे तो ये बिल्कुल वाटरप्रूफ मार्केट जैसे काजल हो जाएगा। मैं ये काजल अपनी बच्ची को भी लगाती हूँ, इसलिए मैंने इसमें बी वैक्स ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहते हो तो बी वैक्स ऐड करिए, आपको बिल्कुल वाटरप्रूफ बन जाएगा। अगर आप बेबी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल भी बी वैक्स का यूज मत करिए। आप देख सकते हो मैं लगा के भी दिखा रही हूँ। अब एक छोटी सी कंटेनर में आप इस काजल को रख लीजिए। ये काजल 7-8 महीने तक ख़राब नहीं होता है। इसको फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर ही स्टोर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।